हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक ठोसों में दोष या पूर्णता को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अपन सबसे पहले ये बात कर ले ठोसों का निर्माण जो होता है, कष्टलय ठोसों की बात करें। कष्टलय ठोसों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कष्टलीकरण कहते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी जब कष्टलय ठोसों का निर्माण हो रखा होता है तो कुछ अवयवीकरण अपने मूल स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाते, जिससे कष्टलों में दोष या पूर्णता उत्पन्न हो जाता है। इसको भी एक चार्ट के माध्यम समझना चाह रहे हैं अपन लोग। अपन यहाँ पर दिखाया, पहले से बना के रख रखा है टाइम को बचाने के लिए, वीडियो ज़्यादा एमबी की हो जाती है उससे। ठोसों में दोष या पूर्णता, इसको अपन लोग दो भागों में कह सकते हैं, दो तरीके से हो सकती है ये, इलेक्ट्रॉनिक दोष और परमाणु दोष। जैसे पता चल रहा है कि ठोसों में ये दोष इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होगा और ये परमाणु कारण होगा, कि परमाणु की व्यवस्था में अनियमितता पाई जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में व्यवस्थित नहीं होंगे यहाँ पे। परमाणु दोष, वापस इसको तीन भागों में बांटते हैं, स्टोइकोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। इसकी बात करें, स्टोइकोमेट्री दोष जो है आपका, ये दो प्रकार के यौगिकों में पाया जा सकता है, अनायनिक यौगिकों में और एक आयनिक यौगिकों में। अनायनिक यौगिक जिनमें कोई आयन नहीं होते, मॉलिक्यूल्स आपस में वैन डेर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा जुड़ जाते हैं और फिर वो यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे धनायन ऋणायन के बीच में आकर्षण से फिर यौगिक बनते हैं। इनकी बात करें अनायनिक यौगिकों में, तो दो प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष। अभी केवल इनके नामों को डिस्कस कर रहे हैं, अभी एक बार ये हो जाए चार्ट आपका कंप्लीट, उसके बाद इसको वापस से पूरा डिफाइन करेंगे डायग्राम बना मेंटेन करके। अंतराकाशीय दोष, आयनिक यौगिकों में ये दोष दो प्रकार का होता है, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, विस्थापन दोष। ओके, यहाँ पे बात करें नॉन स्टोइकोमेट्री दोष, ये वापस से दो भागों में इसको अपन ने बांटा, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है, पहला ऋणायनिक रिक्तिका के उत्पन्न होने के कारण, दूसरा अपन ने कहा अंतराकाश में अतिरिक्त धातु धनायन की उपस्थिति कारण या धातु धन आने के कारण। अब बात करें इसकी कि धातु न्यूनता दोष, नाम से पता चल रहा है कि इस दोष से क्रिस्टल में धातु धनायनों की कमी आ जाती है। अब वो कमी दो प्रकार से आ सकती है, पहला कि धनायनिक रिक्तिका आ जाए, क्रिस्टल जालक में धनायनिक रिक्तिका उत्पन्न हो जाए वैसे, और दूसरा अपन कहते हैं क्या, अपन कहते हैं इसमें कि एक अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आकर के व्यवस्थित हो जाता है। इनके साथ मैंने एग्जाम्पल भी दिए, भाई इसमें जो मेन आपके हैं शॉर्ट के दोष कौन कौन से योगी दर्शाते हैं, NaCl हो गया, KCl हो गया, CHCl हो गया, AgBr हो गया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, AgBr जो देखो शॉर्ट के दोष में भी है और फ्रेंकल दोष में भी है, यानी कि AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्ट के और फ्रेंकल दोनों दोष दर्शाता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अगली बात यहाँ तक की। उसके बाद ये धातु आधिक्य दोष में जो अपन कहा ऋणायनिक रिक्तिका से जो उत्पन्न होता है वो NaCl, इनसे एक स्पेसिफिक अंग मिलता है इनको। जैसे ये NaCl है, ऋणायनिक रिक्तिका कण जब उत्पन्न होगा तो NaCl का पीला रंग अपन को दिखाई देता है, कभी कभी जब अपन ने देखा नमक पीले रंग का हो जाता है तो इसी दोष के कारण होता है। यहाँ पे बात करें LiCl का गुलाबी रंग हो जाता है इस दोष से, KCl का बैंगनी रंग हो जाता है और SiCl4 का भी कौन सा हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। यहाँ पे अपन बात करें अंतराकाश में अतिरिक्त धातु धनायन की उपस्थिति कारण ये जो जेडन है इसमें इस तरीके का जेडन ओ में इस तरीके का दोष मिलता है और इस दोष से इसका रंग जो है पीला हो जाता है, पीला रंग। ओके रिपोर्ट। इसके बाद यहाँ पे अपन बात करें धनायनिक रिक्तिका उत्पन्न होने कारण उत्पन्न धातु आदि का दोष, तो यहाँ पे FeO में कॉमन होता है। ठीक है, एक बात और कि ये जो दोष है, नोट लगा के अपन इस बात कह सकते हैं, ये दोष केवल वही यौगिक दर्शाते हैं जिनमें धातु जो धनायन है, धातु धनायन परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और कोई नहीं, ये वाला दोष सामान्यतः नहीं पाया जाता, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, एक एक समझते हैं। देखो यहाँ से अपन स्टोइकोमेट्री दोष, देखो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष की, तो एक लेते हैं अलग दूसरा पन्ना, इसकी बात करते हैं फिर यहाँ से ये लोग। हाँ ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक जो दोष है इलेक्ट्रॉनिक दोष
इलेक्ट्रॉनिक दोष, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनके क्रिस्टलों में देखने को मिलता है, ये उपधातु होती है, अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालकों को लिए अपन कहते हैं कि ये निम्न ताप पर कुचालक होते हैं, और जैसे इनका ताप बढ़ाया जाता है तो ये अल्पचालक का दर्शन लग जाते हैं। तो इसमें अपन कही जाए कि वो इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होने से वो उच्च ताप पर या थोड़ा अल्पचालकता प्रदर्शित करते हैं। कैसे, जैसे अपन सिलिकॉन के क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी होती है, हर सिलिकॉन एटम के पास में चार एटम होते हैं इसके वैलेंस शेल में, जैसे कार्बन के पास होते हैं वैसे ही। तो चलो अलग कलर से इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये लो तो इनके इलेक्ट्रॉन ये रहे सबके। ये लो इनके बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लो ये ऐसे बॉन्ड बने होते हैं, और इस तरीके से ये एक भी फ्री नहीं होता आइडल स्टेट में, परम जो शून्यता पे जीरो टेम्परेचर बात करें उस टेम्परेचर पे ये लो एक आदर्श क्रिस्टल आपका बन गया है। अभी अपन बात कर रहे हैं ये जो क्रिस्टल बना है ये जीरो केल्विन टेम्परेचर बात कर ले, लो टेम्परेचर बात कर लेते हैं, लो टेम्परेचर बात कर रहे हैं अपन लोग। इस पर आदर्श होता है, सभी इलेक्ट्रॉन अपनी व्यवस्थाओं में बिल्कुल फिक्स होते हैं, जहाँ जिसको होना है वो वहीं पे उपस्थित होता है। इस स्थिति में ये विद्युत का ये कुचालक होता है। लेकिन जैसे इसके टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करते हैं तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन अपने मूल स्थान से, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और निकल करके इसके स्थान पर तो बन गए रिक्ति का, और मूल स्थान से उत्तेजित होकर के उत्तेजित अवस्था में जैसे फ्री अवस्था में यहाँ पे आ गया, इसके स्थान पर होल बन जाती है, रिक्ति का बन जाती है। ये बना के दिखा देता हूँ, ये लो ये क्या बन गई, होल बन गई, रिक्ति का बन गई। इलेक्ट्रॉन जैसे गति करता है तो इलेक्ट्रॉन गति से क्रिस्टल में विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बनते हैं होल, और ये होल इलेक्ट्रॉनिक कमी कारण होते हैं इनके प्लस आवेश आ गए इन पर, और ये होल भी लगातार गति करते रहते हैं। इन होलों की गति इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। कैसे होती है बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा ही एक ऐसा आइटम चार अदर ऐसा ही के साथ में बॉन्ड बनाता है, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम आया तो अपनी इसकी स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी आती है, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये पड़ोसी कोई सा भी सिलिकॉन आइटम से इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे सपोज करो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये होल यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर आ जाता है, जिससे ये अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने वर्क किया, मूवमेंट किया, और मूवमेंट करने से क्रिस्टल जो है उसमें विद्युतीय गुण बढ़ जाते हैं। और अपन को पता है कि भाई जब भी कोई आवेशित पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उसके फलस्वरूप विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक दोष। उसके बाद अपन बात करते हैं, अपन ने कहा कि यहाँ पे परमाणु दोष, तो यहाँ पर अपन कहें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें परमाणु की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं अनियमित आ जाती है, उसके फलस्वरूप ये दोष उत्पन्न होता है। अगर क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु या जालक बिंदु के चारों ओर अगर ये दोष हो तो उसको बिंदु दोष कहेंगे, अगर एक लाइन विशेष में हो, एक रो विशेष में, उसको कहेंगे रेखीय दोष। अब अपन ने कहा कि तीन प्रकार के बोले, स्टाइकोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष और ये अशुद्धता दोष। तो पहले इसकी बात कर लें कि ये दोष ऐसा होता है स्टाइकोमेट्रिक दोष में कि दोष होने से पहले और होने के बाद क्रिस्टलीय ठोस की स्टोइकोमेट्री जो है, मूलानुपाती सूत्र कह दो आप, स्टोइकोमेट्री जो है वो अपरिवर्तित रहती है। जैसे सपोज करो कि एक ठोस बनाया अपन ने, जैसे NaCl की बात कर ली कि भाई NaCl के एक ठोस में जैसे 50 एटम में तो किसके हैं, Na के 50 ही एटम किसके हैं, Cl के, ठीक है। अब दोष होने से जैसे माना एक Cl बाहर चला गया निकल के, एक Cl तो यहाँ पे कितने गए 50, और यहाँ पे कितने हो गए 49। तो यानी कि यहाँ पे पहले रेशो बात कर, जैसे एक 1:1 था और यहाँ पे क्या रेशो कुछ और ही आएगा,
ठीक है, तो ये तो हो गया स्टोइकोमेट्रिक चेंज। अगर मान चलो ऐसा एक केस हो जिसमें एक ही तो सीएल जाए और एक ही क्या जाए एनए, तो उस स्थिति में दोनों क्या बच गए, 49 49 बच गए, 49 49 बच गए, तो काटा तो 1:1 क्या आ गया इनका रेशो आ गया। ठीक, तो अपन कुल मिला कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मूलानुपाती सूत्र है वो दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद क्या रहता है, सेम, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। यानी कि ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल की क्रिस्टलीय ठोस की स्टोइकोमेट्री परिवर्तित रहती है उन्हें क्रिस्टलीय स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। अब बात करते हैं अनायनिक यौगिकों में स्टोइकोमेट्री दोष। तो अनायनिक यौगिक अपन बनाने की बात करें, जैसे एक ठोस ये रहा, ये दो प्रकार के कणों से मिलकर बनाए ए से और बी से, अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज है जैसे, तो करते अरेंज जाओ ए बी, ठीक बी ए बी ए ए बी ए बी, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी काफ़ी चलेगा काम। इसमें दिक्कत ये लग रही थी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाए तो अपलोड होने में दिक्कत आएगी, इसलिए छोटा छोटा अपन करके कोशिश कर रहे हैं और आगे कोशिश कर रहे हैं इसको छोटा कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो अपन ने एक ये नॉर्मल एक क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस अपन ने बनाने की कोशिश की है, क्रिस्टलीय ठोस। अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि रिक्ति का दोष को अपन डिफाइन करें, रिक्ति का दोष। तो रिक्ति का दोष में क्या होता है, अब देखो कोई भी दोष क्रिस्टल में, या तो अपन उस क्रिस्टल को गर्म करें या उसके निर्माण के दौरान ही, अगर कोई अव्यवीकरण अपने मूल स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाता तब जाकर उत्पन्न होती है दोष। तो रिक्ति का दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल को गर्म करने पर या निर्माण के समय कोई अव्यवीकरण, जैसे माना एक ए जो है अपने मूल स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाया और एक क्रिस्टल जालक से बाहर ही रह गया, जैसे मानो बाहर रह गया ए, लो यहाँ पे ए बाहर रह गया, तो अब यहाँ पे बात करें जैसे वही 50-50 का रेशो कहा, तो ए तो रह गया 49, बी क्या गए 50, तो स्टोइकोमेट्री बदल गया। तो स्टोइकोमेट्री को मेंटेन रखने के लिए क्रिस्टल में से आसपास से कहीं से भी कोई दूसरा एटम जो है दूसरे टाइप का समान संख्या में वो भी क्रिस्टल जालक में अपने मूल स्थान पर नहीं बैठ पा, जैसे एक ए एब्सेंट हुआ तो एक बी भी क्या होगा अपने स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाएगा और ये भी क्या रह जाएगा बाहर, ये लोग बाहर रह गया। तो इनके स्थानों पर क्या बनती है, रिक्तिकाएँ बनती है, ये लोग ये क्या बन गए इनकी रिक्तिकाएँ, क्योंकि इस क्रिस्टल में रिक्तिकाएं बन जाती है इस दोष के फलस्वरूप, इस कारण इनको क्या कहते हैं, मतलब रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें इकाई आयतन में, क्योंकि अव्यवीकरण क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो अपन कहते हैं रिक्तिका दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आती है, ये दोष आपका क्या हो गया रिक्तिका दोष। अब बात करते हैं अंतराकाशीय दोष की, अंतराकाशीय दोष ठोस बिल्कुल ऐसे रहता है, ये लो ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी बना दिया, चलो अपन ने ठोस बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वही बात कहेंगे, केस वही तो सेम रहते हैं कि अशुद्धता जब भी उत्पन्न होगी, दोष जब भी उत्पन्न होगा, तो दो ही केस होंगे, तो उसको गर्म करें या उसके निर्माण के समय। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि जब अपन लोग इसको गर्म करते हैं, एक बार जब अपन इसको गर्म करते हैं, ये लोग गर्म करते हैं निर्माण समय, इस दोष में अंतराकाश दोष में क्या होता है कि अतिरिक्त जो बैठने थे वो तो बैठे हैं, कोई अतिरिक्त अव्यवीकरण जैसे ए आकर के क्या हो जाता है अंतराकाश, कणों के बीच का जो गैप है ये सारा क्या कहलाता है अंतराकाश कहलाता है, अंतराकाश में आकर के व्यवस्थित हो जाता है। अब बात करें एक के नंबर जैसे मान 50-50 का रेशो दोनों का, तो एक कितना हो गया 51 और बी कितना रहेगा 50, स्टोइकोमेट्री बदल रही है। तो स्टोइकोमेट्री को मेंटेन रखने के लिए दूसरे प्रकार के आयन अतिरिक्त समान संख्या में वो भी क्या हो जाते हैं अंतराकाश में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि घटना अंतराकाश में होती है इस कारण इस दोष को क्या कहते हैं अंतराकाशीय दोष। ओके चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन लोग, क्योंकि इकाई आयतन में इस दोष के होने से अव्यवीकरण एक्स्ट्रा संख्या में आ रहे हैं, तो अपन कहते हैं इस दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आती है, सॉरी वृद्धि होती है, वृद्धि क्रिस्टल जालक के घनत्व में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त कण आए
इकाई आयतन में, इसलिए घनत्व में क्या हुई, वृद्धि हुई। और इस वाले दोष में अभिविकर्ण क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर जाता है, इसलिए यहाँ पे घनत्व में क्या आती है, घनत्व में कमी आती है। ये बात हुई आपकी, ये आपके दो दोष कंप्लीट हुए यहाँ पे। कौन कौन से, पहला अनायनिक यौगिकों का रिक्तिका दोष और ये अंतराकाशीय दोष। अब बात करते हैं किसकी, आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों के शॉर्ट की दोष की बात करें। शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि ये आयनिक यौगिक है तो अपन को प्लस माइनस अपन को बता सकते हैं, जैसे कोई धनायन है उसको प्लस से बताया, ऋणायन को माइनस से बताया। तो चलो छोटा सा बना देते हैं आयनिक ठोस, ये लो। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। एक अपन ने आयनिक ठोस बनाया। अब जब अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट की दोष की, तो नाम से पता चल रहा है कि शॉर्ट की में शॉर्ट है संख्या। देखो पहली बात कि ये दोष आयनिक यौगिक, सबसे पहले शॉर्ट के नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इस कारण इस दोष को क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष। इस दोष में क्या होता है, जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो या निर्माण के समय क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने मूल स्थान पर नहीं बैठ पाते और क्रिस्टल जालक से बाहर रह जाते हैं। जैसे माना समान संख्या में एक ही हटा देते हैं ताकि आपकी स्टाइकोमेट्री भी मेंटेन रहे। जैसे एक तो धनायन एबसेंट हो गया, ये लोग, ये धनायन अपन ने एक हटा दिया, और एक यहाँ से क्या हो गया, ऋणायन एबसेंट। एक ऋणायन जैसे अपन लोग, जैसे ये लोही ऋणायन हटा दिया, समान संख्या में हटा दिया, क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर चले गए और इनके स्थान पर क्या बन गई, रिक्तिकाएँ बन गई। क्या बन गई, रिक्तिका बन गई। ठीक है, तो ये दोष क्या कहलाता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। ठीक है, अब बात करें वही बात कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व पर तो अपन कहते हैं क्योंकि इस दोष से अव्यवीकरण क्रिस्टल जालक छोड़ करके बाहर जाते हैं, इस कारण कहते हैं अपन लोग कि शॉर्ट की दोष से क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आती है। चलो ठीक है, आयनिक यौगिक तो काफ़ी सारे हैं, तो अपन कहते हैं कि शॉर्ट के दोष कौन से आयनिक यौगिक दर्शाएंगे, तो अपन कहेंगे वो आयनिक यौगिक शॉर्ट की दोष दर्शाते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार समान होता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो आयनिक यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ठीक है, एक बात और क्या कि वो वाले आयनिक यौगिक दर्शाएंगे जिनमें शॉर्ट की, जिनमें समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उच्च होता है। जिनका कोऑर्डिनेशन उच्च होगा वो शॉर्ट के दोष में दर्शाएंगे, इनमें धनायन ऋणायन का आकार समान होगा वो शॉर्ट के दोष में दर्शाएंगे, और घनत्व में क्या आएगी, कम। ठीक है, और अपन कह सकते हैं ये अनायनिक यौगिकों के रिक्तिका दोष के समान ही है क्योंकि इसमें क्या बनती है, रिक्तिकाएँ बनती है। आ जाओ बात करते हैं, और अपन ने जैसे कहा था कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल भी पूछ जाते हैं कभी कभी, तो ये लो NaCl, KCl, CHCl और एक केल आपका क्या गया, AgBr, ये आपके आते हैं शॉर्ट की दोष वाले में। और चलो ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल जो दोष है आपका, ये कौन दर्शाता है, जब उसकी बात करते हैं भाई, आयनिक यौगिक को मिलता है तो अपन को एक आयनिक ठोस आपको बनाना पड़ेगा। लो चलो प्लस माइनस, एक छोटा सा अपन ने बनाया है आयनिक ठोस, बनाने की कोशिश कर रहे हैं फटाफट से। जल्दी बन गया था ये लड़ा। अब इस दोष में क्या होती है, पसंद है, इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल जालक को गर्म करते हैं तो यह निर्माण के समय छोटे आकार का तो इसमें धनायन होता है, प्लस क्या होता है छोटे आकार का, वो बड़े आकार का क्या होता है, ऋणायन।
ठीक है। तो छोटे आकार का धनायन अपने मूल स्थान से विस्थापित होकर के और अंतराकाश में आकर कहीं फंस जाता है, ये लोग ये आ गया ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है ठीक है। ये बात छोटे आकार का धनायन अपने स्थान से उठ करके और कहाँ जाता है, अंतराकाश में आ जाता है। तो मैं पे लिख दूँ क्या क्या अंतराकाशीय धनायन, तो अंतराकाश में आ जाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष क्यों कहा गया, क्योंकि इसे सर्वप्रथम आयनिक यौगिकों में फ्रेंकल नाम के वैज्ञानिक ने देखा था ठीक। चलो अब अपन कहते हैं कि घनत्व कैसे प्रभावित हुआ, हुआ या नहीं, तो अपन कहते हैं क्योंकि देखो इकाई आयतन है और एक कण उठ करके यहाँ से उठ करके बस यहीं पे तो बैठा है, बाहर थोड़ी ना गए, ना बाहर से अंदर आए, तो अपन कहें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। दूसरी बात करते हैं अपन का कौन सा आयनिक यौगिक दर्शाएंगे, तो दूसरी बात करेंगे वो आयनिक यौगिक दर्शाते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाएगा। एक दूसरी बात क्या, जिनमें समन्वय संख्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होता है वो दर्शाते हैं ठीक है। एक इसके एग्जांपलों की अपन लोग बात करें तो एग्जांपलों में जैसे कि ए जी वाले सारे ए जी सी एल, ए जी बी आर, ए जी आई ठीक, और एक जेड एन एस, ये एस दर्शाने वाले। चलो ठीक है इनकी बात। अब अगला कौन सा है अपना, कि अब देखो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष में अपना जैसे मैं समझाना चाह रहा था जब से कि भाई इसमें स्टोइकोमेट्री मेंटेन रहती है, मूल अनुपात सूत्र मेंटेन रहता है, बदलता नहीं है, अपन इनमें बदलेगा, इनमें जो स्टोइकोमेट्री है दो से पहले और दो के बाद अलग अलग हो जाती है, बदल जाती है, दो से पहले कुछ होती है, दो से होने के बाद कुछ और हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टलों की आयनिक यौगिक मिलेगा, तो आयनिक यौगिक को स्टोइकोमेट्री से फ़र्क नहीं पड़ता, विद्युत उदासीनता से फर्क पड़ेगा। यहाँ पर तो स्टोइकोमेट्री को मेंटेन रखने के लिए आते जाते हैं, यहाँ पर विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए या तो कोई धनायन आएगा या कोई ऋणायन आएगा ठीक है। चलो ठीक है स्टोइकोमेट्री की बात होगी तो इसको देखो परिभाषित कैसे करेंगे, कि वे ऐसे दोष जिनमें दोष भाई ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टलीय ठोस में दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री परिवर्तित हो जाती है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो पहले इसकी बात करते हैं, धातु आधिक्य दोष यानी कि इस दोष के फलस्वरूप क्रिस्टलीय ठोस में धातु धनायनों की आधिक्य उत्पन्न हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी। अधिकता कैसे हो सकती है, कि भाई इसमें से कुल मिला के एक छोटी सी बात कि ऋणायन या तो निकले तो धनायन ज़्यादा होंगे या फिर अतिरिक्त धनायन आ जाए, दो तरीके हैं। तो पहले अपन कहते हैं ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होने के कारण, यानी कि ऋणायन अपने स्थान को छोड़ के चल जाएगा और उसके स्थान पर कुछ बात चलेगी, तो बताते आ जाओ। सबसे पहले कह रहे हैं धातु आधिक्य दोष और वो भी कौन सा वाला, ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होने के कारण। तो ऋणायनिक रिक्तिका के दोष को समझाएं पर लोग, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण ठीक है। ऋणायनिक तो एक बार मैं आयनिक ठोस बना दूं फटाफट से, देखो ये प्लस माइनस फटाफट से बनाते आ जाओ, ये लो ये लो बन गया। ऋणायनिक रिक्तिका वही वाली बात। अब इसमें ये तो इसको गर्म करें अपन, तो पहली बात ये तो आप समय को मारो गर्म करने पर या फिर इसके निर्माण के समय, दबी हो जाते दो ही केस। तो अब ऋणायनिक रिक्तिका यानी कि गर्म करने पर इससे इसके निर्माण के समय कोई ऋणायन अपने स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाता, चलो इसका हटा दिया ऋणायन को, तो यहाँ पे क्या बन गई, रिक्तिका बन गई, ये लो रिक्तिका बन गई। इस स्थिति में अपन चेक करके जैसे प्लस की बात करें माइनस की बात करें, पहले
दोष उत्पन्न होने से पहले ये भी 50 थे जैसे, और ये भी कितने थे 50, लेकिन अब क्या हो गए दोष उत्पन्न होने के बाद, ये तो बच गए 50 और ये क्या हो गए 49। सपोज कर रहे हैं यानी कि अधिकता हो गई किसकी, धातु धनायनों की, तो धातु अधिक क्या दोष हो गया है, ऋणायनिक रिक्ति का भी उत्पन्न हो गई, तो अपन ने कहा ऋणायनिक रिक्ति का उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न धातु अधिक क्या दोष। अब दोष में अब क्या हुआ, आयनिक ठोस है, विद्युत उदासीनता बनाए रखना जरूरी है, तो क्या होता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आकर के क्या हो जाता है, इस रिक्तिका में आकर के व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, ये लो अपन दिखा दे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ा दूर दिखा दे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के बैठ गया, तो ये जो रिक्तिका जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इस पूरे बिंदु को क्या कहते हैं अपन लोग, इस बिंदु कहते हैं एफ केंद्र। अब एफ शब्द क्यों लिया गया, तो अपन कहते हैं एफ जर्मन एक भाषा है, जर्मन भाषा, उसके एक शब्द है फोरबेन जेंटर, जेंटर शब्द से लिया गया है, शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ रंग प्रदान करने वाला, प्रदान प्रदान करने वाला, यानी कि जो एफ केंद्र जो बना है, ठीक है, वो क्या करता है क्रिस्टल जालक को विशेष रंग प्रदान करता है, ठीक है ना, ये इसका एफ केंद्र बनता है। ठीक है यहाँ तक की बात। अब ये जिन यौगिकों में ये दोष मिलता है, तो ये एफ केंद्र क्या करता है, उस क्रिस्टल को विशेष रंग दे देता है। जैसे देखो इसके तीन चार एग्जाम्पल है, पहला NaCl, तो NaCl अपन जब NaCl देखो जनरली तो वाइट होता है, लेकिन जब जब देखते हैं अपन कभी कभी गर्म कर देते हैं तो ये नमक पीला पीला हल्का पीला सा होता है, तो वो यही दोष होता है उसमें, एफ केंद्र बनने के कारण वो हल्का NaCl को कैसे रंग दे देता है, पीला पीला रंग दे देता है। ऐसे ही LiCl, कुछ बुकों में इसको देखो बैंगनी रखा है, कुछ में इसको पीला, लेकिन NCERT में पीला है अपन, तो इसलिए इसको पीला ही मानेंगे अपन। KCl है, इसका रंग हो जाता है बैंगनी इस दोष के फलस्वरूप, और एक SiCl4 इसका हो जाता है गुलाबी रंग। तो ये इसके इम्पोर्टेंट, यहाँ से अपन पूछ सकते हैं क्या कि किस दोष के कारण NaCl का पीला रंग हो जाता है, तो आप कहोगे ऋणायनिक रिक्ति का उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न धातुअधिक के दोष कारण, या LiCl का पीला रंग कैसे हो जाता है, KCl का बैंगनी रंग कैसे हो जाता है, गुलाबी रंग कैसे हो जाता है, ये सब इसी की बात है। चलो ठीक है, दूसरी बात अपन करते हैं कि अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति कारण, तो अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन कैसे आता है उसकी बात करते हैं। जाओ अगर वापस से एक अपन को बनाना पड़ेगा, चलो तो अपन का अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, चलो एक आयनिक ठोस बनाते हैं, चलो इस बार इस कलर से बना देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बात है, चलो इतना ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा बांधने की होती नहीं है, वही या तो गर्म करेंगे अपन लोग या निर्माण के समय, निर्माण के समय यहाँ पे कह रहे अतिरिक्त ऋणायन के, तो यहाँ पे जब इसको गर्म करते हैं निर्माण समय, कोई जो धनायन है अतिरिक्त संख्या में आकर के क्या हो जाता है, अंतराकाश में आकर व्यवस्थित हो जाता है, तो अपन कह सकते हैं अतिरिक्त अंतराकाशीय धनायन। तो अब यहाँ पे धनायन धातु आदि का उत्पन्न हो गया, लेकिन विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में व्यापार के क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, तो ये दोष है इसमें, और इस दोष भी अंतराकाशीय इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल जालक को विशेष रंग प्रदान करता है। तो अपन कहते हैं उदाहरण के लिए जो दोष है ये ZnO में मिलता है, और इस दोष के उत्पन्न होने से ZnO का पीला रंग हो जाता है। ठीक है, ये बात, ये वीडियो थोड़ी क्या बड़ी हो गई, तो अब अगली में बनाते हैं इसको थोड़ा सा टुकड़ा टुक करके फिर इसको देंगे आगे।